और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जिसकी 90 विधानसभा सीटों में पहले चरण की 20 सीटों के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में बेशक 20 सीटें हों, लेकिन इनमें 12 सीटें ऐसी हैं जहां से छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह निकलती है। वो 12 सीटें कौन सी हैं और क्या समीकरण रहने वाले हैं, जरा देखिए। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का रण कहां, क्या है समीकरण? छत्तीसगढ़ का दंगल पहले चरण के रण के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मंगलवार को वोटिंग होगी। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी, वहां पर कांग्रेस का खासा दबदबा है। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भविष्य दांव पर रहेगा। इनके अलावा कई अन्य दिग्गज भी मैदान में हैं, जिनका भविष्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। पहले चरण की 20 सीटों के गणित की बात करें तो इसमें नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 सीटों पर वोटिंग होनी है, दुर्ग संभाग के राजनांदगांव, कवर्धा और खैरागढ़ सहित 8 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण की 20 सीटों में से 13 सीटें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति और 7 सीटें सामान्य वर्ग की हैं। पहले चरण की 20 में से 19 सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। पहले चरण की 20 में से सिर्फ रमन सिंह की राजनांदगांव सीट ही बीजेपी के पास है। पहले चरण में एक पूर्व मुख्यमंत्री, 5 पूर्व मंत्री, 3 मौजूदा मंत्री और एक पीसीसी चीफ यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की साख दांव पर है। बस्तर की जो 12 सीटें हैं, उस पर जो मतदाताओं का रुख होगा, उसे लेकर लोगों में बड़ी दिलचस्पी और जिज्ञासा है। सन 2018 में एक सीट को छोड़कर बाकी सभी 11 कांग्रेस के पास आ गई थी, तब लोग बदलाव के मूड में थे। अब 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल मतदाताओं ने देख लिया है, उसका परफॉर्मेंस देख लिया है, उनने जो चुनावी घोषणाएं की थी उसका जमीन पर कितना असर हुआ है ये भी देख लिया है। तो ये तो बात हुई पहले चरण की 20 सीटों के गणित की। अब फौरी तौर पर उन 20 सीटों पर नजर डालते हैं जहां वोटिंग होनी है। तो पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 सीटों में कांकेर, केशका, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, बस्तर, चित्रकोट, दंतेवाड़, बीजापुर, कोंटा, अंतागढ़ और भानुप्रतापपुर में वोटिंग होगी। इसी तरह दुर्ग संभाग की 8 सीटों में पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर और राजनांदगांव में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 20 सीटों में वैसे तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में ही है, लेकिन इनमें कई सीटें ऐसी भी है जहां बीएसपी मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। इनमें केशकाल बीजेपी के नीलकंठ टेकाम, कांग्रेस के संतराम नेताम और बीएसपी के दिनेश कुमार मरकाम में मुकाबला है। इसी तरह कोंडागांव में बीजेपी से लता उसेंडी, कांग्रेस से मोहन मरकाम और बीएसपी से गिरधर नेताम मैदान में हैं। जगदलपुर से बीजेपी से किरण देव, कांग्रेस से जतिन जायसवाल, बीएसपी से संपत कश्यप के बीच मुकाबला होगा। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, कांग्रेस से विक्रम मंडावी और बीएसपी से अजय कुड़ियम मैदान में है। इसी तरह कोंटा सीट की बात करें तो यहां बीजेपी से सोयम मुका, कांग्रेस से मंत्री कवासी लखमा और बीएसपी से मासा मड़कामी में मुकाबला है। भानुप्रतापपुर में बीजेपी से गौतम उइके, कांग्रेस से सावित्री मंडावी और बीएसपी से जालम सिंह जुर्री मैदान में है। वहीं पंडरिया सीट की बात करें तो यहां बीजेपी से भावना बोहरा, कांग्रेस से नीलकंठ चंद्रवंशी और बीएसपी से चैतराम राज मैदान में है। पहले चरण में कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए चुनौती है। कांग्रेस के लिए 2018 के लय को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है, तो बीजेपी के लिए बस्तर में खोई जमीन वापस पाने की चुनौती है। 7 नवंबर को जिन 20 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, एक सीट भाजपा के पास है और 19 सीट कांग्रेस के पास है। निश्चित रूप से 2023 में पुनः हम 20 की 20 सीटें जीतेंगे। स्वयं रमन सिंह जी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रहे केदार कश्यप जी, लता उसेंडी जी सहित सभी जो बड़े नेता भाजपा के हैं, उनको जनता वापस फिर वही घर में बैठाएगी और परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। तो जिस तरह से बस्तर का परिणाम पहले से कांग्रेस के पक्ष में रहा है कि 12 की 12 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बस्तर का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास, आदिवासी वनवासियों का विकास को देखते हुए बस्तर के मतदाता पुनः
कांग्रेस का साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी कल जो छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाली है, कम से कम 14 से 15 सीटों पर जीतने जा रही है और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। इसके साथ ही साथ बस्तर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं इस सरकार में, जो मंत्री रहे हैं, वो सब के सब हारने वाले हैं। 5 सालों में जो जनता के साथ वादा खिलाफी की है, जनता तैयार बैठी थी। कल भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर बटन दबा करके 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि इनके सारे बड़े नेता जो 5 साल में अपने को बड़े नेता समझते हैं, सबके सब हारने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर कम से कम जीतने जा रही है। बहरहाल पहले चरण की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले चरण के मतदान में नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग भी शामिल है, लिहाजा शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर रविवार शाम पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम चुका है, अब उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। फिलहाल नजरें बस्तर पर रहेंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बस्तर में लीड लेने वाली पार्टियों के पास सत्ता की चाबी होती है, लिहाजा बस्तर को देखते हुए पहले चरण का मतदान कई मायनों में अहम होगा।